सीता मैया की बात करेंगे कि सीता मैया जो थी वो उनसे जुड़ी हुई जो रामायण के अंदर जो कहानियां हैं कि उनका भी जो पुनर्जन्म सीता के रूप में हुआ, पहले वो कौन थी, तो वो सब चीज़ें हम थोड़ा जानेंगे आज। तो आप मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहिएगा। और पहले रामायण का एक सुंदर निर्वचन या व्याख्या हम सुन लेते हैं। क्या कहते हैं? राम आपकी आत्मा है, सीता आपका हृदय है, रावण आपका मस्तिष्क है जो आपकी आत्मा को आपके हृदय से छीन लेता है। ठीक है, क्या रावण, रावण मतलब क्या? हमारे सारे जो अवगुण है, वो कितने विद्वान थे तो भी देखिए उन्होंने अपनी शक्ति कहाँ लगाई। ठीक है, तो रावण आपका मस्तिष्क है जो आपकी आत्मा को आपके हृदय से छीन लेता है। ठीक है, और हृदय क्या बताया यहाँ पे? सीता आपका हृदय है, लक्ष्मण आपकी चेतना है जो हमेशा आपके साथ रहते हैं और सक्रिय रहते हैं, हनुमान आपके सहज बोध है और अंत प्रज्ञा और धैर्य है जो आपके हृदय को बचा कर या पुनः प्राप्त कर आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। में रामायण में हम देखते हैं, और अगर हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो माता सीता भी उत्तम स्त्री, उत्तम शक्ति के रूप में है। और देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगभग 12 कला की पावर लेकर आए थे यहाँ पे, जैसे अगर हम बेहद के ज्ञान से समझें, और वैसे ही माता शक्ति भी जो उनके साथ आए थे, माँ सीता, वो भी बहुत ही तेजस्वी तप और तप का एक स्वरूप है। ठीक है, तपस्विनी है वो, जब आई थी उनको जानकी भी बोलते हैं क्योंकि वो धरती से ही निकली थी। तो उनका जो, अगर उनकी भी विशेषता हम बात करें तो वो भी पवित्र, प्रेम, भरोसा, विश्वास, इतना कुछ हमें उनके चरित्र से सीखने को मिलता है कि कहा जाता है कि भी आज अगर कोई भी दंपत्नी भी अगर उनके करेक्टरिस्टिक, उनके चरित्र को फॉलो करे तो यहीं पर ही वैसा राम राज्य बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है इसके अंदर, और इससे हम देखते हैं उनके अंदर कितना तप, कितनी वो योग माया थी उनके अंदर, कितनी शक्ति थी। देखिए जितने भी अवतार हुए हैं ना, वो किसी ना किसी कारण से हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ अगर उसमें लिखी है, राम का आना, सीता का वनवास जाना, राम का वनवास जाना, फिर उसके बाद भी जब वो 14 साल का वनवास पूरा करके आते हैं तो सीता को त्याग देना। ठीक है, राम जो पहले से ही जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो सीता को त्याग देते हैं जब उनकी पवित्रता पे प्रश्न उठाते हैं। ऐसा तो नहीं था ना कि राम को उनकी पवित्रता पे कोई संशय था, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो भी ये लीलाएं क्यों हुई है? क्योंकि इससे जुड़ी हुई संबंधित पुराने पूर्व जन्मों की भी कहानी है, अलग अलग लीलाओं के का कारण अलग अलग, कोई कोई श्राप बना है, कोई वरदान बना है, कोई ना कोई कारण बना है। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा आज समझेंगे। और फाइनली ये सब चीज़ें हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है? और सुनने से हमारा जो प्योरिटी ऑफ माइंड, माइंड जो है वो पवित्र होता है, सूक्ष्म होता रहता है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उसके कारण और निवारण दोनों का। यदि कोई श्राप हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई निवारण भी दिया गया है, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो श्राप से मुक्त करने की भी हमेशा कोई ना कोई चीज़ है। अगर अगर कोई ब्लेसिंग्स दी है, कोई ऐसा वरदान दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और कोई असुरी शक्ति को दिया है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमेशा कोई ना कोई शक्ति बनाई है। तो ये जो सीता उपनिषद की आज हम बात करने वाले हैं, इसका व्याख्या हमें अर्थ वेद में से, उपनिषद में से मिलता है, जो कहते हैं कि देवगण तथा प्रजापति के मध्य में एक प्रश्नोत्तर हो रहा था सीता के विषय में। सीता कौन थे उनके बारे में पूछ रहे थे। तो सीता को साक्षात शाश्वत शक्ति का आधार माना गया है, इसमें सीता को प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। तो जो सीता उपनिषद है उसमें जब देवगणों के बीच में और प्रजापति ब्रह्मा जी के बारे में संवाद हो रहा था, तो उस संवाद को सीता उपनिषद में बताया गया है, जिसमें बताया कि सीता कौन थे, शाश्वत शक्ति का आधार माना गया है। इसमें सीता को प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। सीता शब्द का अर्थ है अक्षर ब्रह्म की शक्ति के रूप में हुआ है। यह नाम साक्षात योग माया का है। सीता को भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त है, मतलब उनका सहारा, उनका नाम, उनका सपोर्ट प्राप्त है, जिसके कारण वह विश्व कल्याणकारी है। सीता क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति, तीनों रूपों में प्रकट है। परमात्मा की क्रिया शक्ति रूपा सीता भगवान श्री हरि के मुख से नाग रूप में प्रकट हुई है। तो सीता उपनिषदों में देवगणों और प्रजापति के बीच में जब प्रश्नोत्तर में सीता का शाश्वत शक्ति का आधार माना गया और उनको प्रकृति का स्वरूप बताया गया, तो आगे क्या बताया उन्होंने कि
वह प्रणव यानी ओंकार की वाचक है, उनका नाम ही प्रणव नाद ओंकार स्वरूप है। परा प्रकृति एवं महामाया भी वही है। ठीक है, उपनिषद के अनुसार सीता शब्द का पहला अक्षर सी परम सत्य से प्रवाहित हुआ है और ता वाक की अधिष्ठात्री वैग देवी स्वयं है। उन्हीं से समस्त वेद प्रवाहित हुए हैं, सीतापति राम से समस्त ब्रह्मांड संसार तथा सृष्टि उत्पन्न हुए हुआ है, जिन्हें ईश्वर की शक्ति सीता धारण करती है। ठीक है, हम हमेशा जैसे कहते हैं ना कि कोई भी हम परम पुरुष ले लें वो शक्ति के बिना अधूरा है, तो यहाँ पे भी उसी शक्ति की बात हो रही है कि संसार तथा सृष्टि उत्पन्न हुए जिन्हें ईश्वर की शक्ति सीता ही धारण करती है। सीता जी भूमि रूप है, भूमि से उत्पन्न हुई है, इसीलिए भूमात्मज जा भी कहा जाता है, भूमात्मजा भी कहा जाता है। सूर्य अग्नि एवं चंद्रमा का प्रकाश सीता जी का नील स्वरूप है। चंद्रमा की किरणें विविध औषधियों को रोग प्रतिकारक गुण प्रदान करती है। यह चंद्र किरणें अमृत दायनी सीता का प्राणदायी और आरोग्य वर्धक प्रसाद है, वही हर औषध की प्राण तत्व है। देखिए इसका हम सूक्ष्म रूप समझे ना, तो देखिए जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो वो हर एक चीज का निवारण है, आपके सूक्ष्म स्थूल कारण जगत के कोई भी आपके पाप की बात कर लो, दुख की बात कर लो, उसका सभी का जैसे क्या है ना, यहाँ आरोग्य वर्धक है, मतलब वो प्राणदायी है और आरोग्य वर्धक प्रसाद है। तो वो शक्ति जो है ना, वो प्राण है, हमारे अंदर जो प्राण है उसको हम वो शक्ति, वो प्राण तत्व भी है। ठीक है, वो शक्ति हमारे अंदर है, तो उसी का वो उन्होंने उसी की प्रेरणा देते हुए हमें कहा है कि वो सीता ही है। ठीक है, वो सीता का ही स्वरूप है सब। तो उपनिषद के अनुसार सूर्य की प्रचंड शक्ति द्वारा सीता ही काल का निर्माण एवं हास करती है। सूर्य द्वारा निर्धारित समय भी वही है, अतः वे काल धारत्री भी है। पद्नाभ महाविष्णु क्षीर सागर के स्वामी श्रीमन नारायण के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के रूप में भी सीता विद्यमान है। कामधेनु और स्वयं तक मणि भी वही जानकी है। वेद पाठी अग्निहोत्री दिग्वर्ग कर्म कांडो के जितने भी स्वरूप और संस्कार है, विधि पूजन या हवन आदि संपन्न कराते हैं, उन्हीं की शक्ति वो सीता है। ठीक है, अभी इसमें देखिए मैं आपको इसके बीच में ही जैसे हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनमें उनके एक बात करने वाली हूँ वेदवती की। वेदवती कौन थे, ये सीता माता से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मैं बीच में सीता उपनिषद के बीच में आपको बता रही हूँ कि वेदवती कौन थी, जिनका श्राप बना रावण की मृत्यु। हम जानते हैं कि राम का अवतार हुआ रावण की मृत्यु के लिए, उनका वध करने के लिए, लेकिन उसमें भी छुपा हुआ राज था उनका श्राप, और उसमें सीता माता का क्या रोल था वो भी हम समझते हैं। तो इसमें क्या था, रामायण की कथा, ये मैं आपको सुनाती हूँ प्रसंग। रामायण की कथा असुरों के राजा रावण के विनाश के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी। हम जानते हैं कि अगर उनका अपहरण नहीं हुआ होता तो राम जाते नहीं और राम उनका वध करते नहीं। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बहुत विशेष बात यह है वेदवती की। वेदवती जो है वो उनका पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म, उससे पहले जो सीता का जो जन्म हुआ उससे उनका पूर्व जन्म जो था उसमें वो वेदवती थी। देखिए ये सब चीजें हैं पहले से ही फिक्स हो चुकी है, काफी चीजें जैसे हम कह रहे हैं ना, वो एक हम भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि वो परमात्मा हमें नचा रहा है कठपुतलियों की तरह, ऐसी पूरा ड्रामा एक बार है ना पूरा बना हुआ है। हाँ, पर अब लोगों का फिर प्रश्न आ जाता है कि भाई ड्रामा सब बना हुआ है तो क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है। देखिए आगामी आने वाले हम अपने इस कर्म के साथ अपना आगामी कर्म और आगामी जो प्रारब्ध हमारा बनने वाला है, जो हमारा मृत्यु के बाद या जीवन बनने वाला है, वो अभी हम निर्धारित कर सकते हैं, वो अभी पर आधारित है, हमारे अभी हर एक कर्म पे। तो हर चीज यही, पर यहाँ पे किस चीज की प्लानिंग की बात हो रही है, परमात्मा की प्लानिंग की, अवतारों की प्लानिंग की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो आप उसको एक वो मत मान लीजिएगा कि हाँ मुझे तो एक बहाना मिल गया कि भाई ये सब कुछ प्लान है तो हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अवतारों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। ठीक है, रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ है। तो हुआ क्या, आगे हम पढ़ते हैं कि ये कथा के अनुसार एक वेदवती नामक एक युवती थी जो वन में अपना ध्यान में लीन रहती थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुश ध्वज की पुत्री थी, और कुश ध्वज जो थे वो बृहस्पति के पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बृहस्पति पता है, हमने बृहस्पति और चंद्र और उसकी भी हमने कहानी कर शेयर करी थी। ठीक है, तो हाँ आगे तो वो कुश ध्वज की पुत्री थी।
अब कहते हैं कि जो वेदवती थी उनको बचपन से ही, कुछ ही समय जब वो पैदा हुई, कुछ समय के बाद ही उनको वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उनका नाम वेदवती रखा गया था। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, वो उनकी उपासना करती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उनकी भक्ति भी बढ़ती गई और उनका भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता गया, भगवान विष्णु के प्रति। और उन्होंने मन ही मन एक संकल्प कर लिया कि उनको भगवान विष्णु जी से विवाह करना है, इसलिए उनको वो प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। पर ये जो वेदवती जी के जो इरादे थे वो उनके तो पक्के थे, उनका निर्णय पक्का था, लेकिन उनको उनके जो माता पिता थे उनसे उनको उनको वो स्वीकार नहीं करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ आगे, किंतु उनके परिवार वालों ने उनका साथ देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका संकल्प था कि वो विष्णु से शादी करे, विवाह करे। इससे विवश होकर जो वेदवती जी है वो घर को छोड़कर वन में चली गई और बाद में उनके परिवार ने उनको अपना लिया और वापस आश्रम ले आए, मतलब वहाँ से वो जो ऋषि थे वहाँ से उन्होंने उनको वापस बुला लिया वेदवती को। अब एक दिन वेदवती अपने ध्यान में लीन थी और तब एक असुर आया उनके पास और उनसे विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके कारण बाद में वेदवती अकेली, एकदम अकेली पड़ गई। अब हुआ क्या, वेदवती फिर से उपासना में लग गई विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और एक दिन उनके समक्ष विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान ने उनसे उनकी कठोर तपस्या का कारण पूछा, तब वेदवती जी ने बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में मैं जरूर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, मतलब आपको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम होने लगी और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। अब हुआ क्या, मतलब उन्होंने तो एक समय निश्चित कर दिया कि भाई अभी तो इस जन्म तो संभव नहीं है, लेकिन मैं अगले जन्म में तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तो उनका थोड़ा सा मन टूट गया, लेकिन श्रद्धा उनकी थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन वो फिर भी उनके लगातार उनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं, वो और ही लगन से उनकी आराधना करने लगी। अब हुआ क्या आगे, अब यहाँ पे आता है रावण का रोल। हुआ क्या कि एक दिन जब वेदवती जी एकांत में तपस्या कर रही थी, तभी उसी समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर जो है रावण, वो वहां से गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि वेदवती पे पड़ी। वेदवती पे पड़ते ही वो उस पर सम्मोहित हो गए और उससे विवाह का उन्होंने प्रस्तावना रखी। अब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने तो मना ही करना था, क्योंकि वो तो विष्णु को चाहते थे और उसी उन्हीं को पति रूप में चाहते थे। तो जब उन्होंने मना किया तो वेदवती के उन्होंने केश पकड़ के घसीटते हुए जब वो लेकर जाने लगे तो इस बात पे वो क्रोधित होकर उन्होंने वेदवती ने अपने केश काट दिए और क्या कहा, साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने के लिए उसने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, वह मृत्यु का कारण बनेगी, मतलब वेदवती। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूद कर खुद को भस्म कर लिया। ठीक है, अब चूंकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपने अगले जन्म में मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में आई और जैसे कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था, वो राम रूप में अवतरित हुए और वही कारण बने, माता सीता ही कारण बनी, वेदवती ही कारण बनी, उनका श्राप जो रावण को मिला था पूर्व जन्म में वही कारण बना उनका वध का, उनका विनाश का। तो ये इनसे जुड़ी हुई बहुत एक सुंदर कथा प्रसंग था उसके बीच का, तो जो मैं आपके साथ साझा किया है बहुत ही अच्छा था, इसलिए मुझे लगा कि इसके बीच में आपको बताना चाहिए। वापस हम थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं और क्या कह रहे हैं। एक चीज और आती है, चंद्रदेव क्या कहते हैं उनके, और सीता उपनिषद में उनके और गुणों को बताते हुए कह रहे हैं, चंद्रदेव छत्र धरते हैं, वो माँ जो है, जो सीता माता है, उनका रूप ऐसा है, रत्न रजित दिव्य सिंहासन पर सीता देवी आसीन है, उनके नेत्रों में करुणा वात्सल्य भाव प्रवाह मान है, वह कालातीत एवं काल के से भी परे है। इस सीता उपनिषद का संदेश ये है कि वो भगवती जानकी आदि शक्ति है। ठीक है, उन्हीं की करुणा और अनुग्रह से संसार चल रहा है। राम कथा के स्थूल रूप में सीता नामक जिन देवी का उल्लेख आता है उसमें यह आदि शक्ति के रहस्यों का विवेचन किया गया है। उसके अनुसार राम परास्पर ब्रह्म है तो भगवती सीता उनकी अर्धांगिनी शक्ति है, सीता की उपस्थिति के अस्तित्व को प्राणवान बनाती है। ठीक है, क्या बोला, सीता की उपस्थिति के अस्तित्व को प्राणवान बनाती है और उपासक को उस शक्ति का अनुग्रह मिलता है। बेहद की परम शान।
Join us daily for our morning life meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम